मनोहर जी, आप तृणमूल में काफी सक्रिय रहे हैं, काफी पुराने नेता हैं, तो आज जो बंगाल में देखा जा रहा है, पश्चिम बंगाल में, कि तृणमूल में काफी आपसी मतभेद चल रहा है, काफी लोग छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इस विषय में आपका नजरिया क्या है? वो उनका अपना मर्जी है, जो जाना चाहता है जाए, कोई अर्जन नहीं है। लेकिन पार्टी में जो लोग हैं वो ममता बनर्जी को मानते हैं, ममता बनर्जी को लेकर चलते हैं। अब ममता बनर्जी ने जो काम किया है वो सारे अवाम के सामने साबित किया कर दिया कि 10 साल में हम लोगों ने क्या काम किया है। और नेता कौन आता जाता है, नेता तो आजकल सुविधावादी हो गया है, और नेता कितने जाएंगे आएंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, इसका कारण क्या नजर आ रहा है आपको? किस कारण से ऐसा मतलब मतभेद या टूटने का कगार पे आज टीएमसी खड़ी है? टीएमसी कोई टूटने का करार पर नहीं है। कुछ लोग आए थे अपने मतलब से, जा रहे अपने मतलब से, उससे कोई आने जाने वाला नहीं है। जो ममता बनर्जी को मानने वाला है, जो उनकी नीति को लेकर चलने वाला है, आज ममता बनर्जी के साथ में। अगर ऐसे लोग जाते आते हैं तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी और मजबूत होगा। नहीं, कल ही कोच बिहार का एक सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भी बोल चुकी है कि सीबीआई के डर से या जेल जाने के डर से या टिकट नहीं मिलने के डर से ये लोग जो है पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, ये तो दीदी नेत्री क्या बोली वो दीदी का सवाल है, लेकिन यहाँ का जो आम पब्लिक है, आपने क्या किया है नहीं किया है वो सारे आवाम के सामने है। रह गया सवाल कि जिससे दीदी को देखकर आवाम वोट देता है और दीदी को देख के ही वोट देगा। पिछले 34 सालों से वाम मोर्चा का शासन रहा है पश्चिम बंगाल में, और अभी 10 साल से तृणमूल सरकार सत्ता संभाल रही है, तो इन 34 साल और ये 10 साल में क्या अंतर आपको दिखता है? मतलब क्या काम किए है टीएमसी? जो 34 साल में उन्होंने नहीं किया वो दीदी 10 साल के अंदर करके दिखा दिया। जो कि पैदाइश से लेकर मृत्यु तक ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि जो दीदी ने नहीं किया। कन्याश्री देख लीजिए बेकार आपको, उसके बाद में साइकिल देख लीजिए, उसके बाद में आप देख लीजिए क्या नाम है, औरतें जो गर्भ में रहती हैं उसके लिए देख लीजिए। अभी आपको 5 लाख रुपया का कार्ड बन रहा है, उसका ट्रीटमेंट सारे जगह होगा, उसका भी देख लीजिए आप। सारा जो कि दीदी ने अगर जो भी स्कीम छोड़ा है आप देख लीजिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई स्कीम ऐसा नहीं छोड़ा है। इसलिए दीदी के साथ में पूरा आवाम उनके साथ है। अभी देखा जा रहा है कि कल का प्रोग्राम, एक INTTUC का जो प्रोग्राम हुआ था दुर्गापुर में, वहाँ पे जितेंद्र तिवारी ने कहा कि उन्हें सभा में जाने के लिए मना किया गया है, और शायद ये जिला अध्यक्ष के रूप में उनका अंतिम भाषण है। वो उनका अपना विचार है, उनका अपना सोच है। रह गया कि अब दीदी हाईकमान है, हाईकमान का जो भी आदेश आएगा, और एक नेता के नाते, एक कर्मी के नाते, उसको आदमी को पालन करना चाहिए। अच्छा, आप तो माइनॉरिटी सेल से जुड़े रहे हैं टीएमसी के, तो माइनॉरिटीज का क्या विचार है टीएमसी के बारे में वर्तमान में? नहीं, पहले आप माइनॉरिटी सेल में थे और आपको आशुतोष रूरल ब्लॉक का प्रेसिडेंट थे, इस वक्त माइनॉरिटी में नहीं है। अभी हम मदर में हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, और जो भी हमको काम मिला है, हम जब से पद में हमको मिला है जिम्मेदारी तब से हम काम कर रहे हैं। अभी तो घर घर हम लोग 10 साल में जो हम लोग काम किए हैं वो घर घर हम लोग प्रचार कर रहे हैं, और काफी लोग उससे खुश हैं। जो कि हमारा जो दीदी ने काम किया, हम लोग हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता प्रचार ठीक से नहीं कर पाए थे, ये प्रचार से दीदी को बहुत फायदा होगा और हमारे दल को भी बहुत फायदा होगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही आसनसोल के प्रशासक फिराद हकीम को पत्र लिखे थे कि आसनसोल के विकास में वो बाधक बने हैं, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या आसनसोल में विकास नहीं हुआ है टीएमसी के दौर में? नहीं, ये तो सरासर गलत बात है। अगर अगर देखा जाए तो आपको जब से आसनसोल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया पश्चिम बर्धमान, तब से हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और यहाँ मलाई घटक के नेतृत्व में अगर देखा जाए तो पूरे आपको पश्चिम बर्धमान में सबसे बेसी अगर काम हुआ है तो आसनसोल में हुआ है। जो कि आजादी के बाद अगर देख लीजिए, जो पानी का समस्या कुल्टी का था उसको दीदी ने दूर किया है। आज इतना पानी वहां मिल रहा है, वहां का आम सारे लोग कुल्टी में खुश है। कभी आप देख लीजिए आसनसोल में यूनिवर्सिटी जो बना है, आज कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, आज यहाँ अब जमुड़िया का, रानीगंज के सारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं दीदी ने। और मलाई घटक का बहुत बड़ा इसमें जो योगदान है,
अमलाई घटक ने आसनसोल में जितना काम कलकत्ते से दीदी से बोल बोल के कराया है कि अगर जितना भी गिनाया जाए वो कम है। आज आप देख लीजिए एलम हॉस्पिटल का क्या हाल है, नर्सिंग होम फेल है, एक से एक डॉक्टर, एक से एक ट्रीटमेंट हो रहा है। आज सारे लोग नर्सिंग होम में जाना बंद कर दिए, सारे लोग जा रहे हैं आपको एलम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो अगर ये कोई बोल रहा है कि अगर आसनसोल में कोई काम नहीं हुआ है तो सरासर गलत बोल रहा है। अगर आसनसोल में जितना काम हुआ है ऐसा कोई जिला में उतना काम नहीं हुआ है। ये अगर हम लोग अगर माना जाए तो सबसे ज्यादा अगर देन है तो हमारे मंत्री मलाई घटक साहब का देन है। मलाई घटक ने अपने इलाके में आसनसोल में खासकर बहुत ज्यादा काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, अंत में एक सवाल कि अगले साल जो है 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इससे लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है? नहीं, हम लोग का तो तैयारी बहुत पहले से चल रहा है, करीब 5-6 महीने से। दीदी का आदेश हुआ तभी से सारे कार्यकर्ता और सारे नेता लगे हुए हैं और हर एक विधानसभा में, हर एक ब्लॉक में, हर एक वार्ड में सारे लोग काम कर रहे हैं। जो दीदी ने 10 साल दीदी का जो काम दीदी ने किया है उसका हम लोग घर घर ही प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी बात है, प्रचार होने से और दीदी का बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं था कि दीदी ने क्या काम किया, इससे लोग को बहुत जानकारी मिल रहा और हम लोग को भी एक तो उत्साह मिल रहा है कि जो हम लोग अपना स्कीम को पूरे अवाम के सामने घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शिल्पांचल वासी को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? शिल्पांचल को, मैं वासी को यही हम बोलना चाहते हैं कि अभी आप देखे होंगे 1-1.5 साल पहले इतना बड़ा तूफान आया, न आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नेता नजर आया न कोई आया, लेकिन हमारी दीदी ने, ममता बनर्जी ने, वो न आधी देखा न तूफान देखा, सभी लोगों से जाकर मिला, जो भी मुआवजा देना था मुआवजा दिया और तरह से उनकी परेशानी को जो भी रहा दूर किया और सबको बोला कि आप लोग अच्छा से रहिए और उन लोगों को सारा मदद भी किया। और सामने अभी हम लोग का जो कोरोना पूरे विश्व में जो फैला उसमें भी आप देख लीजिए कि जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेत्री, हमारे नेता, एमपी, एमएलए सारे लोग पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से काम किए हैं कि अब क्या बताएं। और राशन से लेके उनका खर्चा जो भी था सारा व्यवस्था, दीदी ने राशन तो कर ही दिया था और सारे लोग इतना उतर गए थे कि कोई भी बासी को कोई परेशानी नहीं हो और घर घर जाके प्रचार कर रहे थे कि आप लोग भाई मास्क लगाइए और कोरोना से बच के रहिए। और सारा कोई नेता नजर नहीं आया। आज यहाँ का एमपी हमारे बाबुल सुपुरिया है, उनका भी कोई कार्यकर्ता हम लोग को नजर में नहीं आया। अगर नजर आया तो सिर्फ टीएमसी पार्टी का ही कार्यकर्ता और नेता नजर आए और जो भी काम किए आप सामने देख लीजिए। अब यहाँ का अंचल का लोग, इस जिला का लोग, पूरे बंगाल के लोग को सोचना है कि आपके दुख सुख में कौन खड़ा है। अभी 2021 में जो चुनाव आने जा रहा है विधानसभा को, इसमें आप लोग को सोच समझ कर वोट देना है कि आप लोग को कौन सुविधा दे रहा है, कौन आपके पीछे खड़ा है, कौन आपके मदद के लिए खड़ा है। अभी बहुत से लोग आएंगे, तरह तरह के बात करेंगे, कहीं बंगाली बिहारी लड़ाएंगे, कहीं हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, तो बहुत सारी इसी तरह का पार्टियां आएंगे। एक तो आपको हैदराबाद की पार्टी है, वो मीम को भी गलगलाएंगे, उससे भी आप लोग को परहेज करना है, बच के रहना है। आप लोग को देखना होगा कि आप लोग के बच्चे के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके साथ कौन खड़ा है। आज एक ममता बनर्जी एक ऐसी नारी है कि आज भी वो देख लीजिए, एक हवाई चप्पल, एक साड़ी और वही आपको ताली के घर में रहकर वो पूरे समाज को, पूरे अवाम को लेकर चलती है। उसके पास में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, सारे जात को लेकर चलती है। अगर उसको अगर आप लोग भारी मतों से जिताकर सारे विधानसभा को आप लोग कामयाब बनाइए, हमारा यही आप लोग से गुजारिश है कि जहां जहां दीदी कैंडिडेट दे सारे मतों से उनको जिताकर उनको विधानसभा भेजिए, यही आप लोग से मेरा कहना है। इसलिए कि दीदी ने आप लोगों को जिस तरह से काम किया है, अगर दीदी को अगर हम लोग अगर मदद नहीं किए सारे लोग तो उसके साथ हम लोग बेईमानी करेंगे। मैं आप लोग से हाथ जोड़कर आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाला 2021 में जो विधानसभा का चुनाव है, आप लोग अपने नजरिए से देख लीजिए कि आप लोग को दुख सुख में आज ममता बनर्जी खड़ी थी, चाहे वो तो आंधी तूफान आया तब भी खड़ी थी, आज कोरोना का रोग आया तब भी खड़ी थी, और जितनी भी उसका स्कीम था सारा स्कीम आवाम को हम लोग ने पहुंचाया है। और जहां कुछ हमारे
कार्यकर्ता लोग नहीं पहुंचा पाए, हम लोग घर घर जाकर भी प्रचार कर रहे हैं कि जो दीदी हमारी 10 साल काम की है उसको नजर में देखते हुए। इसलिए आप लोग से, पूरे अंचल के लोगों से मेरा गुजारिश है और आप लोग से अनुरोध है कि आने वाला 2021 में दीदी जिसको भी टिकट दे, आप लोग उसको भारी मत से जिताकर उसको विधानसभा आप भेजिए। आप लोग से मेरा यही गुजारिश। और जिस तरह का बंगाल में सारे लोग हम लोग मिलजुल के रहते हैं, भाईचारा जो है, यहाँ का जो अमन चैन है, इसको अमन चमन को बरकरार रखने के लिए, और इस बंगाल को जिस तरह से सारे जात के लोग, सारे किसी तरह का हम लोग भेदभाव नहीं रहते हैं, हम लोग सब कोई मिलजुल कर रहते हैं, इसको संकेत को बचाने के लिए आप लोग अपना ध्यान में रखिए। अभी सारे नेता आप लोगों के पास आएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन जो आपके दुख सुख में शुरू से 10 साल से आपके साथ है, उसका आप मदद कीजिए। मेरा यही हाथ जोड़ के अनुरोध है।